विशिष्ट शिष्ट कारिणी, विशाल रूप धारिणी, महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यावासिनी। आदि शक्ति देवी भगवती का एक ऐसा स्वरूप जिनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है, जिनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध, वैरागी, योगी और गृहस्थ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विंध्य पर्वत पर विराजमान माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। माँ का दरबार वह पवित्र स्थान है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण की बहन योग माया देवी निवास करती हैं। समस्त ब्रह्मांड में विंध्याचल ही वो सबसे पावन स्थल है जिसके तीनों कोणों पर माता अपने तीनों रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान होकर दर्शन देती हैं। आइए परम कल्याणकारी माता विंध्यावासिनी की महिमा के बारे में विस्तार से जानते हैं। दुर्गा कहीं लक्ष्मी कहीं पे काली माई, कहीं पे दुर्गा कहीं लक्ष्मी कहीं पे काली माई। जब जब भीड़ पड़े भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़े भक्तों पर, तूने लाज बचाई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज के बीच विंध्यवासिनी देवी का दिव्य दरबार मिर्जापुर जिले में गंगा के किनारे विंध्य की पहाड़ियों पर है। क्योंकि यहीं पर विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला को माँ गंगा स्पर्श करती हैं, इसलिए इस स्थल को मणिद्वीप भी कहते हैं। देवी के 51 शक्ति पीठों में शामिल इस स्थान पर माँ सृष्टि के निर्माण से पहले ही विराजित हैं। सभी शक्ति पीठों में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ देवी के संपूर्ण विग्रह के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि समस्त भूलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान कहीं और नहीं है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जब देवकी वसुदेव के यहाँ कंस के कारागृह में जन्म लिया, तब नंद यशोदा के यहाँ उसी समय एक कन्या का जन्म हुआ था। उनको वसुदेव ने आपस में बदल लिया और जब कंस ने इस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह देवी योग माया के रूप में बदल गयी और बोली, अरे मूर्ख, जो तुझे मारेगा उसने तो जन्म ले लिया है और वह सुरक्षित भी है। इतना कहकर देवी विंध्याचल पर्वत की ओर निवास करने के लिए चली गईं। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियाँ विराजमान हैं और जिनके दर्शन के बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में है माँ विंध्यावासिनी। यहाँ काली खोह पहाड़ी पर महाकाली और अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। मान्यता है कि सृष्टि के आरम्भ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस धाम का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यूं तो यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन दोनों नवरात्र के समय विंध्याचल माई का दरबार बहुत भव्य प्रतीत होता है। इन दिनों यहाँ मेला भी लगता है और मंदिर के आसपास पैर रखने की जगह नहीं बचती। हालांकि यहाँ नया कॉरिडोर बनने के बाद से ये व्यवस्थाएं काफी बेहतर हुई है और श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ 4 गुना तक बढ़ी है। कहा जाता है कि नवरात्र में माँ भगवती मंदिर की पताका पर वास करती हैं, ताकि किसी वजह से मंदिर ना पहुँच पाए लोग भी सूक्ष्म रूप से दर्शन प्राप्त कर सकें। सोने के इस झंडे की विशेषता है कि इसे सूर्य चंद्र पताकिनी के नाम से जाना जाता है। यह निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी की पताका में ही मिलता है। विंध्याचल क्षेत्र का महत्व पुराणों में मिलता है तथा पुराणों में इस स्थान को तपोभूमि के रूप में वर्णित किया गया है। मार्कंडे पुराण के अनुसार मधु कैठव नामक असुरों का वध करने के लिए देवी माता यहां अवतरित हुई थीं। श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी यानी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। शास्त्रों में मां के नाम कृष्णानुजा और वन दुर्गा भी मिलते हैं। तो ऐसी है महिमा विंध्यावासिनी मां और उनके दरबार की। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के मन और हृदय को शांति प्रदान करता है।